बहुत 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 स्वागत करता हूँ बच्चों। और इस स्वागत की घड़ी में आज हमारा टॉपिक रहेगा जर्मनी का एकीकरण। टॉपिक का नाम क्या है? जर्मनी का एकीकरण हम पढ़ेंगे। जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सी समस्या आती है, जर्मनी के एकीकरण में कितने युद्ध हुए थे, जर्मनी के एकीकरण में कितनी संधियाँ हुई थी, और इसकी शुरुआत जर्मनी यूरोप के इतिहास में जर्मनी से हम कर रहे हैं जर्मनी का एकीकरण। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जर्मनी के अंदर राष्ट्रीय भावना का प्रसार करने वाले, राष्ट्रीय भावना का जो प्रचार प्रसार किया था वो कौन था? वो फ्रांस का नेपोलियन तृतीय होता है। ये कौन है? नेपोलियन तृतीय है। फ्रांस के नेपोलियन तृतीय ने जर्मनी के अंदर एक राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया था, और जर्मनी जो अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था, और बिखरे हुए जर्मनी का एकीकरण करने में जो पूरा सहयोग किया था वो विस्मार्क का नाम आता है। विस्मार्क ने लोहे और रक्त की नीति को अपनाया था। लोहे और रक्त की नीति को अपना के जर्मनी का एकीकरण किया था। अगर हम जर्मनी के मैप की बात करें तो जर्मनी का मैप कुछ इस तरह रहेगा बच्चों। यहाँ देखिए, जर्मनी का ये उत्तरी भाग कहलाता है, उत्तरी भाग कहलाता है। जर्मनी का ये मध्य भाग कहलाता है, और जर्मनी का ये दक्षिण भाग कहलाता है। एकीकरण इन तीनों का, उत्तरी भाग का, मध्य भाग का और दक्षिणी भाग का, तीनों का एकीकरण होना है। उत्तरी भाग में जैसे यहाँ सैलेस्विग है, सैलेस्विग राज्य है, इधर होलस्टीन है, होलस्टीन है, जर्मनी की राजधानी इधर बर्लिन है, यहाँ इधर ही उत्तरी भाग में पर्शिया है, पर्शिया राइन राइन प्रदेश मध्य भाग में है, और इधर दक्षिण भाग में बाडेन है, हेसेन है, और छोटे छोटे राज्य हैं यहाँ पे। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के अंदर स्टार्टिंग में कितने 39 राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे, और छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया गया था, एक राइन संघ का निर्माण किया गया था। बाद में एक डाइट का निर्माण हुआ था, जिसमें 200 राज्यों को मिलाकर डाइट का निर्माण किया गया था। यहाँ जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख तथ्यों, ऐसे जो बाधक तत्व था जर्मनी का, वो बाधक तत्व कौन था जर्मनी के एकीकरण का? वो ऑस्ट्रिया इसके एकीकरण का बाधक तत्व था। कौन था? ऑस्ट्रिया। जर्मनी के एकीकरण में जो प्रमुख शत्रु हैं उसका नाम अभी अभी मैंने आपको बताया बच्चों, ऑस्ट्रिया है। अब बिस्मार्क की राजनीति क्या रहेगी इसमें? सबसे पहले यहाँ देखें, एक बैशनशुट एक नाम आता है बच्चों, बैशनशुट। ये जर्मनी के अंदर एक एक जगह है, जेना विश्वविद्यालय के छात्रों ने मिलकर एक संगठन बनाया था, और इस संगठन को बैशनशुट कहा जाता है। इस संगठन का उद्देश्य क्या था कि जो मैटरनिक है, यहाँ मैटरनिक ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार मैटरनिक है, उसकी राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। मैटरनिक के अगेंस्ट ये बैशनशुट बनाया गया था। इसके बाद में यहाँ एक कार्लसवाद आया, कार्लसवाद अध्यादेश। कार्लसवाद अध्यादेश में, कार्लसवाद अध्यादेश आता है, और इस अध्यादेश में क्या कहा गया था, और इस अध्यादेश के अंदर, कार्लसवाद अध्यादेश में, यहाँ कार्लसवाद अध्यादेश, कौन सा अध्यादेश है ये? कार्लसवाद अध्यादेश, डाइट 300 राज्यों का एक संघ था बच्चों। कितने? 300 का, 200 का नहीं था, 300 का था ये डाइट। 300 राज्यों का एक संघ था कार्लसवाद अध्यादेश। यहाँ मैटरनिक है, मैटरनिक से ही मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। मैटरनिक ने, ऑस्ट्रिया के मैटरनिक ने एक अध्यादेश निकाला था, और उस अध्यादेश के आधार पर गुप्त समितियाँ
जितनी भी गुप्त समितियां होती थी और इसके अलावा जो समाचार पत्र थे उन सारे समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था, और इसी प्रतिबंध को कॉल्सवाद अध्यादेश कहते हैं। कौन सा अध्यादेश कहते हैं? कॉल्सवाद अध्यादेश कहते हैं। एक आता है जॉलवरीन, ये क्या है? ये एक जर्मनी का एक शब्द है, और जॉलवरीन का मतलब होता है बच्चों व्यापारिक संघ। एक व्यापारिक संघ है, इसको आर्थिक संघ भी कह सकते हैं। आर्थिक, ये एक आर्थिक संघ है, और इस संघ जॉलोरिन संघ के इसका एक संगठन बन गया था, और इसके संगठन का मतलब होता है 12 राज्यों के अंदर अब कोई भी एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करेगा तो उस पर व्यापार पर क्या नहीं लगेगा? टैक्स नहीं लगेगा। इसी को जॉलवरीन संगठन कहते थे। जर्मनी में जब भी कोई एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था तो उनको टैक्स देना पड़ता था। जर्मनी के सब राज्य अलग अलग बिखरे हुए थे, और इस बिखरी हुई व्यवस्था को सही करने के लिए, जर्मनी का एकीकरण करने के लिए, जर्मनी में जो ऑस्ट्रिया का जो हस्तक्षेप हो रहा था उस हस्तक्षेप को दूर करने के लिए इस टाइप से जॉलवरीन की व्यवस्था की गई है। किसकी? जॉलवरीन की संगठन बनाया गया था। जर्मनी के एकीकरण में सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, बैशनसुट बताया, फिर कॉल्सवाथ का अध्यादेश बताया, फिर जॉलवरीन बताया। जॉलवरीन के बाद अब हम आगे जर्मनी का एकीकरण किस तरह से होता है, तो जर्मनी के एकीकरण 3 युद्धों से इसका पूरा एकीकरण हो जाता है। पहला युद्ध कौन सा था, दूसरा युद्ध कौन सा था, और तीसरा युद्ध कौन सा था? जर्मनी का मैंने अभी आपको मैप बनाकर बताया था। उत्तरी जर्मनी, एक तो उत्तरी जर्मनी है, एक मध्य जर्मनी, और एक है आपके दक्षिण जर्मनी। उत्तरी जर्मनी के प्रमुख प्रमुख मैंने आपको बताए थे, एक सैलेश्विक है, सैलेश्विक, हॉलेस्टीन हॉलेस्टीन है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, प्रशा है, और इधर मध्य भाग में राइनलैंड है। इधर दक्षिण जर्मनी में बवेरिया है, बॉटेन है, बैदून है, हेंस है, इस तरह से छोटे छोटे राज्य हैं। टोटल कितने हैं? डाइट में कितने होते हैं? 300 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 300 राज्य हैं। अब जर्मनी के एकीकरण में पूरा सहयोग कौन देगा? जर्मनी के एकीकरण में सहयोग देने लोहे और रक्त की नीति को अपनाने वाला कौन है? लोहे और रक्त की नीति को अपनाने वाला कौन है बच्चों? विस्मार्क है। विस्मार्क का जन्म बैडनबर्ग में हुआ था, प्रशा के बैडनबर्ग में इनका जन्म हुआ था। विस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई थी। जर्मनी में कौन है राजा? विलियम फर्स्ट है। विलियम फर्स्ट का पीएम का मतलब चांसलर होता है, और चांसलर कौन था? विस्मार्क था। चांसलर कौन था बच्चों? विस्मार्क था। विस्मार्क ने कूटनीति से, कौन सी नीति से? कूटनीति से जर्मनी का एकीकरण किया था। क्या किया था? एकीकरण किया था। अब जर्मनी के एकीकरण में हम 3 युद्ध देखेंगे। 3 युद्ध से पूरे जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। यहाँ इन तीनों को एक कर दिया जाएगा। यहाँ कितनी चीज़ है? 3 चीज़ है। पहला उत्तरी जर्मनी है, दूसरा मध्य जर्मनी है, तीसरा दक्षिण जर्मनी है। उत्तरी जर्मनी में सैलेस्विक, होलस्टीन, बर्लिन, प्रशा। पहले उत्तर जर्मनी संघ का निर्माण किया जाएगा, फिर मध्य जर्मनी राइनलैंड को जर्मनी में मिलाया जाएगा, फिर दक्षिण जर्मनी के जितने भी राज्य हैं उनको मिला दिया जाएगा। तो ये कब हासिल होगा, कब होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, इसके लिए 3 युद्ध होंगे। कितने युद्ध होंगे? 3 युद्ध होंगे। और 3 युद्धों से क्या होगा? जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण क्या हो जाएगा बच्चों? पूरा हो जाएगा। तो पहला युद्ध कौन सा था, दूसरा युद्ध कौन सा था, और तीसरा युद्ध कौन सा था? तीनों युद्धों को हम वन बाई वन करके, और तीनों तीनों में जो 3 युद्ध होते हैं, 3 युद्ध में कौन कौन सी संधियां होती है उसको हम ध्यान से देखेंगे। उसको हम ध्यान से देखेंगे। तो पहले यहाँ देखो, ये मैंने यहाँ एक लाइन खींची, ठीक है? ये पहला नंबर का कौन सा युद्ध है? डेनमार्क का युद्ध है। कौन सा? डेनमार्क का युद्ध, ठीक है? दूसरे नंबर का कौन सा युद्ध है बच्चों? यहाँ है सेडोवा, सेडोवा का युद्ध।
तीसरे नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो तीसरा नंबर का कौन सा है? सेडान, सेडान का युद्ध। ठीक है, तीन है यहाँ पे। डेनमार्क का युद्ध कब हुआ था? 1864 में हुआ था। सेडोवा का युद्ध कब हुआ? 1866 में हुआ था। सेडान का कब हुआ? 1870 में हुआ था। ठीक, डेनमार्क, डेनमार्क पर बिस्मार्क में हमला किया। क्यों हमला करेगा डेनमार्क पर बिस्मार्क? डेनमार्क पर हमला क्यों करेगा? क्योंकि डेनमार्क के पास में जर्मनी के दो प्रदेश थे, शैलेस्विक और हॉलेस्टीन। शैलेस्विक और हॉलेस्टीन ये दोनों प्रदेश किसके पास में थे? ये डेनमार्क के पास में थे। ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ जर्मनी के एकीकरण करने के लिए सैलेस्विक और हेलस्टीन को जर्मनी में शामिल होना बहुत ज़रूरी था। जर्मनी में अब ये कैसे शामिल होंगे इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। डेनमार्क जो था, डेनमार्क के पास में जर्मनी की ये दो प्रदेश थे, सैलेस्विक और हॉलस्टीन। ये दोनों प्रदेश किसके पास में थे? डेनमार्क के पास में थे। बिस्मार्क इन दोनों को हासिल करना चाहता था, लेकिन बीच में ऑस्ट्रिया आ रहा था। अब ऑस्ट्रिया, बिस्मार्क ने कूटनीति से ऑस्ट्रिया के पास में बिस्मार्क गया। ऑस्ट्रिया के पास में बिस्मार्क जाता है और बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के राजा के पास में जाके उसको कहता है कि देखो, हमें भी फायदा होगा, तुमको भी फायदा होगा, अगर हम दोनों मिलकर डेनमार्क पर हमला कर देंगे। हम दोनों मिलकर डेनमार्क पर हमला कर देंगे और डेनमार्क हार जाएगा तो उसको सैलेस्विक और हॉलस्टीन ये दोनों प्रदेश हमें देने पड़ेंगे। और यही हुआ वास्तव में बच्चों। कहानी क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि बिस्मार्क जर्मनी का कौन है, पीएम कौन है? बिस्मार्क है। जर्मनी का पीएम कौन है? बिस्मार्क है। और बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में पूरा सहयोग किया था। बिस्मार्क के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इस बिस्मार्क ने ये बिस्मार्क किस किसके पास में गया? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के राजा के पास में गया और ऑस्ट्रिया के राजा से बोला कि अगर हम दोनों मिलकर डेनमार्क पर हमला कर देंगे, डेनमार्क हार जाएगा और डेनमार्क हार जाएगा तो सैलेस्विक और हॉलस्टीन हमें मिल जाएंगे। तो यह युद्ध किस किस के बीच में होता है? ऑस्ट्रिया और प्रशा दोनों एक जगह हो गए थे। प्रशा का मतलब होता है जर्मनी और जर्मनी का कौन है? बिस्मार्क है। यहाँ ऑस्ट्रिया अलग है और प्रशा, प्रशा का मतलब है जर्मनी। यहाँ ऑस्ट्रिया और प्रशा, ऑस्ट्रिया और प्रशा ने हमला किया था किस पे? डेनमार्क पर हमला किया था, डेनमार्क के बीच में। यानी ये दो दोनों मिलके और डेनमार्क को पराजित कर दिया था। और पराजित करने के बाद यहाँ एक संधि हो गई थी, इसको वियना की संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? वियना की संधि कहते हैं। और इस संधि के आधार पर दो प्रदेश मिल गए थे। ऑस्ट्रिया और प्रशा को कितने प्रदेश मिल गए थे? दो प्रदेश मिल गए थे। पहला प्रदेश शैलेश्विक था, शैलेश्विक था, और दूसरा प्रदेश हॉलस्टीन था। दूसरा प्रदेश कौन सा था? हॉलस्टीन था। यहाँ सैलेस्विक और हॉलस्टीन, अब जो सैलेस्विक और हॉलस्टीन है ना बच्चों, ये दो, इन दो पर भी विवाद हुआ। फिर 1865 के अंदर एक संधि हो गई थी, एक गैस्टाइन समझौता कहते हैं इसको। कौन सा समझौता कहते हैं? गैस्टाइन समझौता कहते हैं। यहाँ अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया, बिस्मार्क किसके पास में? बिस्मार्क गया था ऑस्ट्रिया के पास में गया था। और ऑस्ट्रिया को जाकर सारी अपनी बात बता दी कि अगर डेनमार्क पर हम हमला करेंगे, डेनमार्क पर हम हमला करेंगे तो डेनमार्क से हमें सैलेस्विक और हॉलस्टीन मिलेगा। क्या मिलेगा? सैलेस्विक और हॉलस्टीन मिलेगा और फिर हम आपस में इसको बांट लेंगे। यही स्थिति हो गई थी। वियना की संधि हो गई थी डेनमार्क के साथ में, और डेनमार्क से इसको दो प्रदेश मिल गए थे। पहला प्रदेश सैलेस्विक मिला था, दूसरा हॉलस्टीन मिला था। अब दोनों मिल जाने के बाद अब एक साल बीत गया था। ऑस्ट्रिया ने कहा कि चलो मेरा वाला, मेरा प्रदेश मुझे दो। और अब फिर बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ एक संधि कर ली थी, और वो संधि कौन से? गैस्टाइन संधि कहलाती है। वो कौन सी संधि कहलाती है? गैस्टाइन समझौता कहलाता है। ये गैस्टाइन समझौते के आधार पर, इस संधि के आधार पर यहाँ ये दो है, सैलेस्विक है पहला और हॉलस्टीन है दूसरा। अब यहाँ भी बच्चों देखो, ये दो जने थे यहाँ पे, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। अब दोनों में बटेगा ये, क्योंकि यहाँ डेनमार्क से हमें दो देश मिले हैं। तो ऑस्ट्रिया कह रहा है कि एक मुझे चाहिए,
प्रशा जर्मनी बिस्मार्क बोल रहा है एक मुझे चाहिए, तो इसका फैसला तो होना ही चाहिए। और इसका फैसला कौन सी संधि के आधार पर होगा? वो गैस्टाइन समझौते के आधार पर होगा। और ये गैस्टाइन समझौता कब हुआ था? 1865 में हुआ था। 1865 के गैस्टाइन समझौते के आधार पर सेलेस्विक तो किसको मिला? जर्मनी को मिल गया। और होलस्टीन किसको मिल गया? ऑस्ट्रिया को मिल गया था। और इस समझौते के आधार पर सेलेस्विक जर्मनी को मिला, होलस्टीन ऑस्ट्रिया को मिल गया। तो पहला युद्ध कौन सा कहलाया बच्चों? डेनमार्क का युद्ध। डेनमार्क का युद्ध, इसमें कितनी संधियाँ होती है? दो संधियाँ होती है। पहली कौन सी संधि थी? वियना की संधि। दूसरी संधि कौन सी थी? गैस्टाइन की संधि। वियना की संधि में कौन पराजित हुआ था? डेनमार्क पराजित हो गया था। डेनमार्क पराजित होते उसने कितने प्रदेश दे दिए थे? सेलेस्विक और होलस्टीन दे दिया था। इधर गैस्टाइन समझौता जो था वो किन किन के बीच में हुआ था? वो ऑस्ट्रिया प्लस प्रशा। प्रशा का मतलब क्या होता है? जर्मनी। ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में डायरेक्ट कोई युद्ध नहीं हुआ था, डायरेक्ट एक समझौता हो गया था कि भाई देखो बात ऐसी है, ऑस्ट्रिया ने प्रशा को कहा कि भाई मैंने तेरा साथ दिया था डेनमार्क युद्ध में, तुझे दो प्रदेश मिल गए थे, अच्छा तो अब अपन दोनों इसको बांट लेते हैं। तो बिस्मार्क ने कहा ठीक है अपन एक समझौता कर लेते हैं। वो एक जगह होती है गैस्टाइन, एक जगह होती है, इस गैस्टाइन समझौते पर दोनों समझौता कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा ऐसा कर एक तू रख ले और एक मैं रख लेता हूँ। अच्छा तो एक सेलेस्विक वाला कौन रख लिया था? जर्मनी रख लिया था। और होलस्टीन वाला कौन रख लिया था? ऑस्ट्रिया रख लिया था। ठीक है बच्चों, अब हम पहला युद्ध यहाँ पे फिनिश हुआ था। इस पहले युद्ध के बाद में सड़वा का युद्ध आता है दूसरा। तो पहले युद्ध से इसके अलावा और भी है, इसी गैस्टाइन समझौते के बाद में एक कील नहर, कील नहर पर भी, नहर पर भी वार्ता हुई थी कि वो जो कील नहर है उस पर ऑस्ट्रिया ने कहा कि ठीक है कील नहर का उपयोग तुम भी करो। प्रशा यानी बिस्मार्क ने कहा कि कील नहर का उपयोग हम भी करेंगे। ऑस्ट्रिया के राजा ने कहा कि कील नहर का उपयोग तुम भी करो और कील नहर का उपयोग हम भी करेंगे। और इस तरह से ये संयुक्त रूप से कील नहर का उपयोग किया गया था। व्यापारिक बंदरगाह होते थे, एक जगह से माल दूसरी जगह पर ले जाने के लिए कील नहर का उपयोग किया जाता था। लावेनबर्ग एक जगह, लावेनबर्ग जो था वो प्रशा को बेच दिया था, ऑस्ट्रिया के पास में था ये, और ऑस्ट्रिया ने ये किसको दे दिया था? प्रशा को दे दिया था। और इस तरह से पहला उत्तरी जर्मनी संघ का निर्माण, उत्तरी जर्मनी संघ का एकीकरण होएगा। इस तरह से ये पहला डेनमार्क का युद्ध हुआ था, उसमें कई राज्य जो है सेलेस्विक भी मिला, होलस्टीन भी मिला, कील नहर पर भी नियंत्रण हुआ। इस तरह से ये कौन सा संघ बना था? पहले युद्ध से उत्तरी जर्मनी संघ का निर्माण हुआ था। किस कौन से उत्तरी जर्मनी संघ का निर्माण हुआ था? अब मैं दूसरे युद्ध की बात करूँगा। दूसरा युद्ध कौन सा है? सेडोवा का युद्ध। अब सेडोवा का युद्ध क्या होता है? अब यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान दो, सेडोवा का युद्ध इसको सात सप्ताह का युद्ध भी कहते हैं, सात सप्ताह का युद्ध भी कहते हैं। इसको कॉनीग्रांट का युद्ध भी कहते हैं, कॉनीग्रांट का युद्ध भी कहा जाता है। सेडोवा का युद्ध को 1866 में हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो था यहाँ तक तो 1865 तक तो बिल्कुल शांत था, उसको होलस्टीन केवल एक ही जगह मिली थी होलस्टीन, लेकिन इस होलस्टीन से ऑस्ट्रिया बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। ऑस्ट्रिया बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। उसने फिर बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया, फिर दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया था। और दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया तो कौन सा युद्ध हुआ था? वो सेडोवा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ? सेडोवा का युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? अब इन दोनों के बीच में हुआ था, ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में कौन सा युद्ध हो गया? ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। अब देखो सेडोवा का युद्ध, कौन सा युद्ध है? सेडोवा नामक स्थान पर हुआ था। और इसमें पहला कौन है? ऑस्ट्रिया है, ठीक है। और दूसरा नंबर पे कौन है? प्रशा है। पहला ऑस्ट्रिया है और दूसरा प्रशा है। दूसरा कौन है बच्चों प्रशा है। ठीक, अब इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और इन दोनों के बीच में युद्ध होने पर ऑस्ट्रिया हार जाता है, और इसको एक संधि करनी पड़ती है, प्राग की संधि। ये कौन सी संधि कहलाती है? ये प्राग की संधि कहलाती है। और इस प्राग की संधि के आधार पर अब क्या होगा कि ऑस्ट्रिया जो है सेडोवा के युद्ध में
ऑस्ट्रिया इटली को वेनेशिया दे देगा। क्या की संधि होती है और इस प्राग की संधि के आधार पर, प्राग की संधि के आधार पर सबसे पहले इटली को गिफ्ट मिलता है, इटली को गिफ्ट मिलेगा वेनेशिया, वेनेशिया गिफ्ट मिल गया था। अब जर्मनी प्रशा यानी जर्मनी, जर्मनी को इससे क्या फ़ायदा होगा, जर्मनी को इस संधि से क्या क्या मिलेगा, जर्मन परिसंघ समाप्त कर दिया। पहली चीज़ क्या है, जर्मन परिसंघ समाप्त कर दिया। दूसरा नंबर पे क्या आएगा, ऑस्ट्रिया और प्रशा के परिणाम स्वरूप जो प्राग की संधि हुई है, इस प्राग की संधि में जर्मन परिसंघ समाप्त हो गया। सेलेस्विक है, होनेवर है, सेलेस्विक होनेवर और होलस्टीन इधर या आपके बर्लिन इन सबको प्रशा इन सबको मिलाकर और राइनलैंड इन सबको मिलाकर एक उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण किया गया। वो डेनमार्क में नहीं हुआ था, उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण सिडोवा के युद्ध में होता है। उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण हुआ, उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण किया गया था। उत्तरी जर्मन संघ में डेनमार्क की स्थिति हमने पहले देख चुके हैं हम, और डेनमार्क के बाद में जो डेनमार्क से हमें जो सेलेस्विक मिला था, होलस्टीन भी बाद में ऑस्ट्रिया से ले लिया था, क्योंकि दूसरा ये जो सेडोवा का युद्ध क्यों हुआ था, वो इस होलस्टीन की वजह से हुआ था। सेलेस्विक तो इससे डेनमार्क से मिल चुका था। भाई डेनमार्क के पास में कितने प्रदेश थे, दो प्रदेश थे, पहला कौन सा था, सेलेस्विक था, दूसरा कौन सा था, पहला सेलेस्विक था और दूसरा प्रदेश कौन सा था बच्चों, दूसरा प्रदेश होलस्टीन था। सेलेस्विक किसको मिला, जर्मनी के बिस्मार्क को मिला था, होलस्टीन किसको मिला था, ऑस्ट्रिया को मिला था। तो समस्या क्या थी, समस्या यही तो थी कि वो होलस्टीन जो है वो ऑस्ट्रिया के पास में क्यों है। 1865 ईस्वी के अंदर गैस्टाइन समझौते के आधार पर जो होलस्टीन ऑस्ट्रिया के पास में था, वजह वही थी, बिस्मार्क ने कहा कि होलस्टीन भी हमें चाहिए, और इसी वजह से सेडोवा का युद्ध हुआ था 1866 ईस्वी में। 7 सप्ताह तक युद्ध चलता रहा था और बाद में होलस्टीन भी बिस्मार्क को मिल गया था। क्या मिल गया था, होलस्टीन भी बिस्मार्क को मिला था। कौन सी संधि के आधार पर मिला था, प्राग की संधि के आधार पर मिला था। और कब मिला था ये, 1866 ईस्वी में ये मिल गया था, और इसी को प्राग की संधि कहा जाता है, और इसी से उत्तरी जर्मनी संघ का निर्माण हुआ था। अब सेडोवा के युद्ध के बाद अगर हम बात करें तो सेडान का युद्ध, अब हमारे पास में जर्मनी का एकीकरण करने के लिए हमने उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण कर लिया, मध्य जर्मन संघ का निर्माण कर लिया, अब दक्षिण के राज्य बच गए थे। अब दक्षिण के राज्यों के लिए हमें फ्रांस से युद्ध करना पड़ेगा, और फ्रांस और प्रशा का युद्ध तीसरा नंबर कौन सा युद्ध है, फ्रांस प्लस प्रशा। फ्रांस और प्रशा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 1870 ईस्वी में हुआ था, और उस युद्ध को सेडान का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध, सेडान का याद रख लेना बच्चों, सेडान का वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है, सेडान का और सेडोवा का, ये दोनों में कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, दोनों में कन्फ्यूजन होने पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में हुआ था, यहाँ सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रशा के बीच में होता है। फ्रांस और प्रशा के बीच में होता है, किसके बीच में, फ्रांस और प्रशा के बीच में होता है। फ्रांस को फ्रेंक भी कहा जाता है, फ्रेंक और प्रशा के बीच में हुआ था, और ये सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था, और इसमें फ्रांस पराजित हो जाता है। फ्रांस क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है और एक संधि होती है फ्रैंकवर्ट की संधि जर्मनी में एक जगह होती है फ्रैंकवर्ट, उसी जगह पर यह संधि होती है फ्रैंकवर्ट की संधि। अब ये जो फ्रांस के साथ जो युद्ध हुआ था, बिस्मार्क ने फ्रांस पर हमला किया, क्यों किया था हमला, पहले हम इस चीज़ को देखेंगे क्यों हमला किया था, कि ऐसा क्या वजह कौन सी रही थी। हमने डेनमार्क के युद्ध को हमने बच्चों देख लिया है, हमने डेनमार्क के बाद में हमने सेडोवा के युद्ध को देख लिया है, और सेडोवा के बाद हम सेडान का युद्ध देख रहे हैं। इसको सेंदा का युद्ध भी कहा जाता है। कब हुआ था, 1870 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था ये 1870 ईस्वी में, ये युद्ध क्यों हुआ था। अब यहाँ थोड़ा सा आपको इस तरह समझना पड़ेगा, ये देखो यहाँ मैंने 3 गोले बना दिए हैं,
ये पहला गोला है, पहला गोला किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है? पहला ये स्पेन है, दूसरे नंबर पे ये फ्रांस है, और तीसरे नंबर पे पर्शा, पर्शा है, पर्शा पर्शा है जर्मनी, पर्शा क्या है जर्मनी है, ये पर्शा जर्मनी है, फ्रांस की जगह फ्रांस है, स्पेन की जगह स्पेन है। यहाँ स्पेन का जो राजा जो था उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, यहाँ उत्तराधिकारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब प्रशा यानी विस्मार्क, विस्मार्क ने यहाँ फ्रांस को बिना पूछे ही यहाँ स्पेन का राजा बना दिया। किसको स्पेन का राजा बना दिया? लियोपोल्ड को। किसको राजा बना दिया बच्चों? लियोपोल्ड को राजा बना दिया। लियोपोल्ड को राजा बना देने से फ्रांस तिलमिला उठा। फ्रांस ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि विस्मार्क मुझसे पूछे बिना ही स्पेन में लियोपोल्ड को बना देगा, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार अलग है, लियोपोल्ड की सरकार अलग है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब स्पेन में लियोपोल्ड राज करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फ्रांस का जो राजदूत था वो यहाँ रहता था, ब्रिंटन बैडन बैडन बिडन डैन बिडन डैन, यहाँ इसका एक राजदूत था फ्रांस का। फ्रांस के राजदूत ने यहाँ प्रशा, प्रशा यानी जर्मनी, जर्मनी के जो राजा जो था यानी प्रशा का जो राजा है, प्रशा का राजा कौन है? विलियम फर्स्ट। विलियम फर्स्ट से एक मीटिंग कर ली। क्या कर ली? एक मीटिंग कर ली और मुलाकात हो गई इनकी। और मीटिंग में क्या कहते हैं, ब्रिनबेड ने क्या कहा? ब्रिनबेड ने विलियम फर्स्ट को कहा, ऐसा कैसे कर सकते हो आप, हमसे पूछा भी नहीं आपने, और लियोपोल्ड को स्पेन का उत्तराधिकारी घोषित करने जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब इस बात को विलियम फर्स्ट ने, अभी अभी जो मैंने आपको कहा, अब इस बात को जो ब्रिनबेड जो राजदूत के बीच में और विलियम फर्स्ट जर्मनी के या प्रशा के जो प्रशा के राजा के साथ जो ये बात हुई थी बच्चों, ये बात हुई थी, अब इस बात को एम्स के तार के द्वारा विस्मार्क के पास में भेज दी गई। विलियम फर्स्ट ने किसने भेजी? विलियम फर्स्ट ने पूरा का पूरा लिखित में लिख दिया कि फ्रांस के राजदूत ब्रिडनबर्ग ने हमसे ऐसी बात कही कि आप लियोपोल्ड को वहाँ राजा नहीं बना सकते, आप लियोपोल्ड को वहाँ राजा नहीं बना सकते। पूरा लिखित में पूरा ऐसे उस पर एक एक चीज़ लिख के और विस्मार्क को ये भेज दिया था। विस्मार्क ने उस चीज़ को सब जगह ओपन कर दिया था। फ्रांस तिलमिला उठा था और दोनों में इतना ज़बरदस्त गुस्सा हुआ कि दोनों के बीच में कौन सा युद्ध हो गया? सेडान का युद्ध हो गया। कौन सा युद्ध हो गया? 1870 ईस्वी में। और यही वजह थी कौन सी? एम्स का तार। ध्यान रखना बच्चों, 1870 ईस्वी में एम्स का तार, ये एम्स का तार जो था, इसी एम्स के तार की वजह से यह युद्ध हुआ था। अभी अभी मैंने आपको बताया था एम्स का तार। और इस बाद में जब फ्रांस पूरी तरह से पराजित हो गया था, फ्रैंकफर्ट की संधि करनी पड़ी थी फ्रांस को। फ्रांस को कौन सी संधि करनी पड़ी थी? फ्रैंकफर्ट की संधि करनी पड़ी थी। इससे पहले मैंने आपको दो युद्ध बताए थे। पहला युद्ध मैंने आपको डेनमार्क का युद्ध बताया था, पहला युद्ध डेनमार्क का युद्ध था, दूसरा सेडोवा का युद्ध, और तीसरा सेडान का चल रहा है। तीसरा कौन सा चल रहा है? सेडान का। अब फ्रैंकफर्ट की संधि में क्या क्या घटनाएं होती है, फ्रैंकफर्ट की संधि क्या है, और फ्रैंकफर्ट की संधि के आधार संधि में फ्रैंकफर्ट की संधि से क्या हुआ बच्चों कि अब जर्मनी को दो प्रदेश मिल गए थे, अल्सेस और लॉरेन। ये पहला जर्मनी को मिल गया, लॉरेन जर्मनी को मिल गया, ये दोनों प्रदेश फ्रांस से मिल गए थे, अल्सेस और लॉरेन। फ्रैंकफर्ट की संधि से बवेरिया बादेन बाटूम हैंस जो छोटे छोटे जो दक्षिण के जितने भी राज्य थे वो सभी राज्यों का एकीकरण हो गया था, दक्षिण के सभी राज्यों का एकीकरण हुआ था। और इसी सेडान के युद्ध से उत्तरी जर्मनी संघ और दक्षिणी जर्मनी संघ, अब आपस दोनों को आपस में मिला दिया गया था। और दोनों को आपस में मिला देने से जर्मनी का एकीकरण 100% हो गया, जर्मनी का एकीकरण 100% हो गया था। अब यहाँ जर्मनी का एकीकरण 100% हो गया। अब देखो तीन युद्ध हुए थे और तीन युद्ध से विस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण कर दिया था। जर्मनी का क्या कर दिया था? एकीकरण कर दिया था।
यहाँ अभी अभी मैंने आपको बताया पहला युद्ध कौन सा है, डेनमार्क का युद्ध हुआ था, पहला डेनमार्क युद्ध हुआ पहला युद्ध, दूसरा सेडोवा का युद्ध हुआ दूसरा दूसरे नंबर का, तीसरा कौन सा है, तीसरे नंबर का है सेडान, तीसरे नंबर का कौन है सेडान, तीसरे नंबर का सेडान है, पहला डेनमार्क है, दूसरा सेडोवा है, तीसरा सेडान है। यह मैंने आपको बताया था, यह युद्ध हुआ था 1864 में, यह युद्ध हुआ था 1866 में, और यह युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। यहाँ डेनमार्क पराजित हुआ था, यहाँ कौन पराजित हुआ था, डेनमार्क पराजित हुआ था। यहाँ कौन सेडोवा में कौन पराजित हुआ, ऑस्ट्रिया पराजित हुआ, ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। यहाँ कौन पराजित हुआ, फ्रांस पराजित हुआ। ऑस्ट्रिया को कितना, 30 लाख डॉलर हर्जाना देना पड़ा जर्मनी को, फ्रांस को 20 लाख डॉलर हर्जाना देना पड़ा फ्रांस को, फ्रांस को। अब तुम सोच लो कि बिस्मार्क के पास में कितना, 30 और 20 50 लाख करोड़ का उसके पास इतना सारा धन आया, इतनी शक्ति बढ़ गई थी, और अब पावरफुल हो गया था जर्मनी का बिस्मार्क, और अब पावरफुल हो गया था, अब फ्रांस की टाई टाई फीस हो गई थी, फ्रांस की टाई टाई फीस हो गई थी, फ्रांस की हालत ख़राब हो गई थी, ऑस्ट्रिया की हालत ख़राब हो गई थी। इस तरह से बिस्मार्क ने अपना जर्मनी का एकीकरण कर लिया था बच्चों, जर्मनी का एकीकरण कर लिया था। किसने कर लिया था, बिस्मार्क ने कर लिया था, और बिस्मार्क ने लोहे और रक्त की नीति पर ये सब कुछ किया था। बड़ी कूटनीति से उसने अपने शत्रु को पराजित कर दिया था, ऑस्ट्रिया से हाथ मिला के ऑस्ट्रिया को ही धोखा दे के, और ऑस्ट्रिया का ही सिर झुका दिया था, ऑस्ट्रिया को तबाह कर दिया था उसने, और जर्मनी का एकीकरण करके इतिहास में गुप्त संधियों का रचयिता कौन है, बिस्मार्क कहलाता है, बिस्मार्क कहलाता है। यहाँ इस तरह से यहाँ ये जर्मनी का एकीकरण होता है बच्चों। मैंने आपको इटली का एकीकरण पूरे बड़े अच्छे से ध्यान से मैंने आपको इटली का एकीकरण पूरी तरह से पढ़ा दिया, मैंने आपको जर्मनी का एकीकरण भी पूरी तरह से हमने पढ़ा दिया। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो प्रथम वर्ल्ड वार रहेगा, प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या रहेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कैसे होगा, जर्मनी का मनसभा क्या होता है, रूस का मनसभा क्या होता है, फ्रांस का मनसभा क्या होता है, ऑस्ट्रिया के अंदर उपनिवेशों की स्थिति क्या रहती है, इधर ओटोमन साम्राज्य क्या है, ओटोमन साम्राज्य के अंदर रूस जो था वो पूरे स्लाव लोगों का स्लाव आंदोलन करके ओटोमन साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, तुर्की को अलग अलग विभाजित करके, और बगदाद जर्मनी से, जर्मनी के राजधानी बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाई थी केसर विलियम ने। जर्मनी का तानाशाह कौन होता है, केसर विलियम होता है। अब जर्मनी का सबसे बड़ा जहाज जिसने पूरे समुद्र पर अधिकार करने की कोशिश की थी वो इंपरेटर जहाज होता है। ये सब चीज़ें हम प्रथम वर्ल्ड वार में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।